हेलो बच्चों, वेलकम टू कुमावत क्लासेस। दिस इज पृथ्वीराज कुमावत। बच्चों मिला हूँ आपके लिए, जो टॉपिक हमारा चल रहा था पोस्टर। देखिए आप, कुछ बच्चों ने कहा सर थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है, छोटा सा पोस्टर तो आप थोड़े कम समय में बनाएं। तो मैंने जो है आपके लिए टॉपिक बनाया है, पहले से बोर्ड पर बना कर तैयार रख लिया, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके, बार बार इसको रीड कर सके। कम समय 30 मिनट में आप इसको जो है 4 बार पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको जो है पहले से बोर्ड पर जो है प्रेजेंट कर दिया है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये पोस्टर जो है इसके लिए टाइम लिमिटेशन होगी 10 मिनट्स, और वर्ड लिमिटेशन नॉट मोर देन 50, और मार्क्स है इसके वो है 4 to 6 marks अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन। ये स्पेशल पोस्टर जो है एकेडमिक क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें 10th क्लास है, 11th 12th और CBSE RBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम सभी के लिए है। तो देखिए बच्चों, टॉपिक जो है हमारा वो है स्टॉप टू यूज पॉली बैग्स, यानी प्लास्टिक की जो बैग्स है, प्लास्टिक जो है थैलियां वगैरह जो है, उन पे बैन लगाने के लिए हमने पोस्टर बनाया, उससे रिलेटेड जो है उसके अगेंस्ट हमने बताया है, ठीक है। तो देखिए इमेज इसमें कैसे भी आप लोग बनाया था, आपने अपने अकॉर्डिंग जो है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा एक बॉक्स बनाना कंपलसरी है। बॉक्स बनाने से क्या होता है कि पोस्टर को एक एरिया मिल जाता है कि इतने में आपको पोस्टर बनाना है। और देखिए जो बनाया गया है इसमें इमेज, मैंने यहाँ पर दो बनाया है, यहाँ पॉली बैग लेके क्रॉस कर दिया, यहाँ पर प्लास्टिक लेकर के क्रॉस कर दिया। अब आपको जैसी डिजाइनिंग आती है आप वैसी डिजाइनिंग इसमें जो है फ्रेम कर सकते हैं, क्लियर है। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर जो है मैंने यहाँ लिखा है स्टॉप प्लास्टिक बैग्स, यानी कि प्लास्टिक की जो बैग्स है उनको रोको, प्रोटेक्ट सिटी शहर को बचाओ, सेव लाइफ और जीवन को बचाओ, क्योंकि हमारा ही नहीं बल्कि एनिमल का भी डिपेंड है, नेचर भी इस पे डिपेंड है। इस पे जो हमारे जो फर्टिलाइजर बनते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, जो खाद वगैरह जो होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एज ए कोटेशन मैंने यहाँ पर लिखा है प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट स्टे हेल्दी, यानी एनवायरमेंट को आप प्रोटेक्ट कीजिए और स्वस्थ रही है, स्वस्थ रहिए। कीप इन माइंड, अब कीप इन माइंड में क्या है, हमें क्या क्या, हमें हमारा जो ड्यूटी जो है वो क्या है इसको प्लास्टिक को रोकने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है यूज जूट बैग्स एंड पेपर बैग्स, हम जूट के बैग का प्रयोग करें, पेपर कागज के बैग आते हैं उनका प्रयोग करें, डिस्करेज प्लास्टिक कंटेनर्स, और प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं उनको पूरी तरह से डिस्करेज कर दें, नष्ट कर दें। बी इको फ्रेंडली, हम हमारे जो तंत्र चल रहा है, हमारा जो एनवायरमेंट है, नेचर है, प्रकृति है, धरती है, आकाश है, तो इन सबसे हम जुड़ कर के लिए इको फ्रेंडली रहें हम लोग सभी। डंपिंग पॉली बैग्स पोल्यूट एनवायरमेंट, जहाँ भी पॉली बैग्स का डंपिंग होता है, ढेर होता है, वो क्या करता है, इस एनवायरमेंट को पोल्यूट कर देता है, इसको प्रदूषित कर देता है। ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रखो, से नो टू यूज प्लास्टिक बैग्स, हमेशा ऐसे कहो कि प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। कैरी ऑन योर क्लॉथ बैग, सिर्फ अपने जो क्लॉथ बैग्स है उन्हीं को ही आप कैरी करें, उन्हीं को ही लेकर के जाए, उन्हीं को साथ में रखें। और इशूड बाय, यहाँ पर लिख दिया हेल्थ क्लब जयपुर। तो ये पोस्टर है हमारा बच्चों, जो बहुत ही अच्छा है। आप इसे पोस्टर ना समझ करके आप इसको एक आर्ग्यूमेंट समझ सकते हैं, आप इसको एक पैराग्राफ समझ सकते हैं, आप इसे एक स्पीच तैयार कर सकते हैं, शॉर्ट राइटिंग है, टास्क पैराग्राफ है, जो आप इसमें तैयार कर सकते हैं, उनसे हम आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने होते हैं, यही जो मैटर है उनमें यूज होता है। तो ठीक है बच्चों, ये था हमारा पोस्टर, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी जो है आप इस पोस्टर को अच्छे से और अपनी कॉपी में लेके बार बार प्रैक्टिस करके तैयार कर सकते हैं। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पोस्टर लेकर के, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, या अदर कमेंट्स आए थे सर चाइल्ड लेबर का पोस्टर बताइए, तो बताऊंगा मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इसको याद कीजिए, पढ़िए, गर्मियों का समय चल रहा है, समर वेकेशन है सभी के लिए। ओके, गुड डे, गुड बाय।